रीटेक ले रही थी। सो वी आर रेडी टू गो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशी व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल। होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू एवरी मदर हु इज़ वॉचिंग माई व्लॉग एंड एवरी डे इज़ मदर डे। तो माँ के बिना तो कोई दिन ही नहीं है। वेल ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आएगी आई गेस मदर्स डे के, बट स्टिल आई एम विशिंग यू बिकॉज आई एम शूटिंग दिस व्लॉग टूडे। तो आज है संडे 12th of May एंड हम जा रहे हैं एक कैफे शूट के लिए। वेल एक ये स्पॉन्सर्ड शूट है जो कि मतलब प्रमोशन ही है, बट एज ए स्पॉन्सर्ड हम इसे शूट कर रहे हैं। तो हम मतलब क्या आएगी है तो मेरे उसका ही, बट ये हम कुछ फ्रेंड्स के साथ रहने वाला है शूट, जो कि स्क्रिप्ट थी वो फ्रेंड्स के साथ की थी। मतलब कि अगर आपको याद हो तो पिछले मिनी व्लॉग्स में जिस शूट की मीटिंग के लिए हम गए हैं एंड जिसका आउटफिट वगैरह आया था वो आज ही का शूट था सब। तो उसके बारे में थी ये बात फर्जीनो करके, क्योंकि आई नो जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक वीडियो भी आउट हो चुकी होगी, मिनी व्लॉग भी आ चुका होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफली मतलब सस्पेंस क्या ही रखना, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर ही देती हूँ सब चीज़ों को। तो फर्जीनो का शूट है और सभी फ्रेंड्स के साथ रहने वाला है ये शूट। तो अभी श्रद्धा आ रही है एंड श्रेया प्राची, ये तीनों दिल्ली से आए हुए हैं। मतलब श्रद्धा यही थी काफ़ी दिन से, श्रेया एंड प्राची कल और परसों आए थे। तो अभी श्रद्धा आ रही है, धन श्रेया आएगी एंड दृष्टि और प्राची घर से तैयार होकर ही एक ही बार आएंगे और फिर हम सब इकट्ठे चलेंगे। अभी मैं ऊपर आई हूँ, हाथ इतना थक जाता है ना शूट करते हुए एंड मेरी लेग्स इतना ज़्यादा पेन कर रही हैं। कल लेग डे था जिम में, मैं जैसे चल रही हूँ देखो ऐसे ऐसे हिल हिल कर चल रही हूँ ऐसे ऐसे, बिकॉज इतना ज़्यादा हर्ट है ये लेग्स में। और मैं आज उठी जल्दी कि मैं सारा घर का काम करा दूँगी, तो मेरी लेग्स की इतनी गंदी हालत हो रखी थी ना, और ऐसा लग रहा है मतलब कि पता नहीं क्या ही लग गया, वो इतनी हैवी हो रखी है थाइस और बहुत पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैं ऊपर आने के बाद मुझे याद आया, मतलब मैं तैयार होने के लिए आई थी कि मैं आउटफिट उठा के आना भूल चुकी हूँ, श्रद्धा और श्रेया का नीचे रखा था। तो अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा नीचे जाऊँ और आउटफिट को लेकर आऊँ। मैंने उससे बोला है कि बाद में देखते हैं क्या करेंगे, तो अभी आ जा, मैं नीचे नहीं जा रही। मतलब सीरियसली मेरी बहुत बुरी हालत है लेग्स की। अभी मैं बैठूंगी भी ना तो मुझे बैठने के लिए भी कम से कम दोनों साइड का सहारा चाहिए, फिर नीचे बैठा जा रहा है, अदरवाइज मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, इतना पेन है। बाकी अभी तो आई गेस कल परसों तक भी रहेगा ये पेन, बट जल्दी ठीक हो जाए आई जस्ट विश। और मेरी जो आउटफिट है ना वो थोड़ा सा पिंक कलर का है, लाइक दिस, ये जो मैंने नेल पेंट लगाई है ऐसा ऐसा, और ये मैट नेल पेंट है। और थक गई मैं, तो अभी बने रहिए व्लॉग में एंड तक। और ऑब्वियसली इस व्लॉग के आने से पहले आपको वीडियो भी मिल जाएगी, मिनी व्लॉग भी मिल जाएगा, तो उससे आप लोग ऑलरेडी सब देख चुके हो। दिस इज जस्ट अ BTS व्लॉग और जो चीज़ें रहेंगी देखते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। सो श्रद्धा इज हियर, हेलो। नहीं तैयार होने के बाद दिखाऊंगी कि तो पहले इतनी सुंदर थी, बाद में गाइज हम लोगों ने कर लिया अपने आउटफिट चेंज, फुल आउटफिट बाद में दिखाते हैं। और मुझे ना इतना वहम है कि मुझे पिंक जस्ता नहीं, और ये डालने के बाद ना आई एम इन लव विद पिंक। आज सुबह अनाया को यहाँ पे बीयर्ड ने काट लिया था, दर्द हो रही है अब नहीं, और मैं स्ट्रॉन्ग बेबी। बुआ को बेस्ट ऑफ लक बोलो शूट के लिए, मुंह से बोलो, बोलो वेल ये सड़ी हुई है मुझे पता है, पहले ये बता मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी, इतनी जुबान कहा गई ले ली भगवान ने, ये देख नेल्स अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। चलो अभी मैं शाम को आऊँगी। Thank you.
हेयर इज द प्रीटी लेडी, जिसके बारे में सब बोलेंगे श्रेया कितनी सुंदर है अभी देखी। अभी हम तीनों हो रहे हैं रेडी, ऑब्वियसली मतलब मैं ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ और बाकी दो अभी आ रहे हैं। आई एम रेडी और मुझे ऐसी प्रिंसेस वाइब्स आ रही है, मेरा बर्थडे हो तो अभी मैं आपको फुल आउटफिट दिखाती हूँ। एक बार कैमरा पकड़ी वैसे और अभी दृष्टि और प्राची आ रहे हैं नीचे, वो लोग तैयार होकर आ रहे हैं, हम लोग हो चुके हैं तैयार और फिर चलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। ऐसे मैम भी आ चुके हैं यहाँ पर और ये भी हाँ मार रहे हैं, ये लोग मार दी लाइट मार दी। देखिए हील्स मैच कर रही है ना, सुंदर सुंदर स्त्रियां। चल जल्दी सब, वी आर एट द लोकेशन और बाल हो चुके हैं टट्टी, आकर देखना एक बार अभी तो प्यारे लग रहे हैं। क्या बोलूं आपकी शक्ल भी टट्टी है। अभी किसी अभी कोई कह रहा था रास्ते में सेल्फ फोटोज इंसान देख। रीटेक ले रही थी श्रेया हंसी हो एक बार। हाय दृष्टि बेबी शर्म करो, तुमसे अच्छा डांस उसे आता है। व्लॉग क्या होता है, व्लॉग यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पे लोगों के व्लॉग्स देखते हो, ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं जो किसके करूँ व्लॉगर यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं जैसे आप देखते हो ना लोगों के। अब आप भी आओगे कल वाले व्लॉग में, मैं पापा को बोलना आपको दिखा देंगे। ऐसे नहीं दिखते ना वो, जब सर्च करते हैं उसे बताया है पापा। सो गाइस वी आर डन विद द शूट और आई गेस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छा हुआ है। एक मेरा बैग पकड़ियो, बंद कर दें एक बार इसे, एंड काफ़ी सही हो गया। अब मेरे को उतरते हुए इतना मसला होएगा। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे, एक बार चेंज कर लूँ, मेकअप रिमूव कर लूँ, फिर बात करती हूँ, बहुत गर्मी। सो गाइस सारा मेकअप हो चुका है क्लीन और अभी मैं एक बार ना गुलाब जल से सारा और एक बार क्लिनजिंग करूँगी, बिकॉज मैं चाहती नहीं कोई मेकअप रह जाए फेस पे। और शूट हो गया बहुत ही मस्त, हमने उसे ना शूट की तरह लिया ही नहीं, हमने बहुत ही अच्छा लिया। और पता है जो फर्जीनों के ऑर्डर है विपिन भैया, उनसे ना मतलब मेरी पहले जब बात हुई थी और उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई, तो थोड़ा इतना एक वो फ्रैंक भी हो गया, हमने काफ़ी बात की थी एंड वो ना मेरे कॉलेज से पास आउट भी है, तो थोड़ी फ्रेंकनेस भी होगी थी, तो हमारा ऐसा लगा ही नहीं कि शूट था और थोड़ा मतलब ऑकवर्ड भी नहीं लगा, काफ़ी स्वीट सा शूट था। वीडियो जब तक आई चुकी होगी, जब तक आपको ये ब्लॉग मिला होगा, मतलब अभी बस मैं वीडियो एडिट करूँगी फ्री होकर, बस अच्छी सी हो जाए और आई एम सो एक्साइटेड। बस ये बोलना था कि बहुत ही अच्छा शूट हुआ और इन फ्यूचर भी जितने भी शूट्स होंगे मैं उसका BTS देती रहूँगी और काफ़ी मज़ा आया। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।